प्रत्याशी पूर्व सांसद प्रदीप जैन जी, दूसरे समाजवादी पार्टी के हमारे हमीरपुर लोकसभा के प्रत्याशी अजय राजपूत जी, मंच पर उपस्थित पूर्व सांसद चंद्रपाल सिंह जी, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ब्रजेंद्र सिंह जी, यहां पर उपस्थित नीलांशु चतुर्वेदी जी, सुधांशु त्रिपाठी जी, राहुल राय जी, मनोज गुप्ता जी, योगेंद्र सिंह जी, मणिराम कुशवा जी, तनवीर आलम साहब, अरशद खान साहब, गयाउद्दीन कुशवा जी, ब्रजेंद्र ब्यास जी, सीताराम कुशवा जी, नितिन सिंह राठौर विधायक, अश्विना गुप्ता जी, ज्योति राजपूत जी से लेकर के बहुत सारे कांग्रेस पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के नेता इस चुनावी जनसभा में आए हुए सभी हमारे आदरणीय बुजुर्ग किसान भाई, माताएं बहनें, बड़ी संख्या में नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले जो हमारे इस मैदान में खड़े हैं, पंडाल में तो हमें लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं पंडाल के बाहर भी बड़ी संख्या में हमें लोग दिखाई दे रहे हैं। और ये झांसी लोकसभा, ये जो जन समर्थन, ये पंडाल के अंदर जन समर्थन, पंडाल के बाहर का जन समर्थन, वो जो बाउंड्री पर बैठे हुए लोग हैं जो दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, दूर तक लोग दिखाई दे रहे हैं, ये समर्थन बता रहा है, आपका ये सहयोग बता रहा है कि इस बार कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी प्रदीप जैन जी ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जा रहे हैं। न केवल जीत करके जा रहे हैं, समाजवादियों का भी पूरा सहयोग और समर्थन है, ये रिकॉर्ड मतों से जिताने के जा रहे हैं। चार चरणों का चुनाव हो चुका है, और जो साथी जानकार होंगे वो जानते होंगे कि भाजपा अब नीचे जाती जा रही है, और भाजपा का ग्राफ गिरता जा रहा है। ये चार चरणों की जीत, और इस बार झांसी के लोग भारतीय जनता पार्टी की विदाई की झांकी की तैयारी कर रहे हैं। जो लोग किसानों की आय दोगुनी की बात कर रहे थे, हमारे झांसी के किसान नौजवान जानते होंगे, इनके 10 साल की सरकार में किसानों की लूट हुई और किसानों के खेतों का पैसा भारतीय जनता पार्टी की जेबों में पहुंच गया। जो विकास, जो खुशहाली हमारे किसान की होनी चाहिए थी, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारा किसान संकट में चला गया। जिन्होंने कहा कि आय दोगुनी होगी, हमारे किसान भाइयों बताओ, किसी की आय दोगुनी हो गई हो तो बताइए, और ना आय दोगुनी हुई, महंगाई बढ़ा करके लागत बढ़ गई, डीजल महंगा हो गया, सिंचाई का इंतजाम नहीं किया, पानी का इंतजाम नहीं हुआ, बिजली महंगी हो गई, और फसल के खरीदने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया,
हमारे किसानों की लूट हो गई। और जब किसान ने अपनी खाद खरीदी, ये किसान जानता होगा, जब खाद की बोरी लेकर के आया तो खाद की बोरी से भी चोरी हो गई, और बोरी से जो चोरी हुई, पहले 5 किलो चोरी की, फिर 5 किलो चोरी कर ली, और जब डीएपी किसान हमारा खरीदने गया तो किसान को डीएपी के साथ साथ नैनो यूरिया भी खरीदनी पड़ गई। जिस तरह से उद्योगपति भारत छोड़ के चले गए, उसी तरीके से नैनो यूरिया बनाने वाले भी भारत छोड़ के चले गए। बताओ किसान भाइयों, आपके लिए जो सरकार को सुविधा देनी चाहिए थी, सुविधा तो दी नहीं, लेकिन काले कानून लेकर के आई थी सरकार। काले कानून जो आए उससे हमारे किसानों की जमीन छिन जाती, उनकी पैदावार को छीन लेते। ये हमारे किसानों ने आंदोलन किया, किसान खड़ा रहा, आंदोलन करता रहा, और दिल्ली से तब हटा जब सरकार ने काले कानून वापस ले लिए। इस कांग्रेस की सरकार ने जो सुविधाएं भी दी थी बुंदेलखंड को, उन बुंदेलखंड की सुविधाओं को भी इन्होंने रोक दिया। जो बीजेपी की सरकार आई, इनके 10 साल में 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की। और उत्तर प्रदेश में अगर किसानों ने सबसे ज्यादा आत्महत्या की है तो हमारे बुंदेलखंड के किसानों ने आत्महत्या की है। ये बुंदेलखंड के लोग भारतीय जनता पार्टी का अहंकार का खंड खंड कर देंगे इस बार। ये वीरों की धरती है, बुंदेलखंड हमारे वीरों की धरती है। ये पहचानती है उनका दुश्मन कौन है। ये वीरों की धरती इस बार जो हमारे किसानों और नौजवानों के दुश्मन हैं, उनको सबक सिखाने का काम करेंगे। जहां इन्होंने किसानों को धोखा दिया, वहीं हमारे नौजवान को इन्होंने नौकरियों से दूर कर दिया। जब भी उत्तर प्रदेश में कोई परीक्षा हुई, इनका पेपर रद्द हो गया। नौजवान जानते होंगे, जितनी भी परीक्षाएं हुई सबके पेपर रद्द हो गए। और पेपर एक परीक्षा का लीक नहीं हुआ था, जितनी परीक्षाएं हुई सबके पेपर लीक हो गए। बताओ पेपर लीक हुए कि नहीं हुए? याद रखना नौजवानों, आपकी नौकरी तो छीनी छीनी है, इन बीजेपी वालों ने आपके 1/3 जीवन को बर्बाद कर दिया। और 1/3 जीवन बर्बाद तो किया ही किया, वहीं हमारा नौजवान जो फौज की भर्ती में चला जाता था, फौज में भर्ती जा हो करके न केवल देश की सीमाओं को सुरक्षित रखता था, अपने परिवार को आर्थिक और सामाजिक रूप से भी संबंध करता था, सपन के साथ साथ परिवारों का सम्मान भी बढ़ता था। जिस परिवार का फौजी फौज में नौजवान चला जाता था, लेकिन इस सरकार ने जो अग्निवीर व्यवस्था लागू करने का काम किया है, हम इंडिया गठबंधन के लोग अपने नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं। 4 जून के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। न केवल नौकरी के रास्ते खुलेंगे, बल्कि अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जो महंगाई इन्होंने बढ़ाई है, बताओ महंगाई बढ़ा दी इन्होंने कि नहीं बढ़ा दी? डीजल पेट्रोल तो बढ़ा ही बढ़ा। जो हमारे साथी नौजवान जो मोटरसाइकिल खरीदते होंगे,
आज से 5 साल पहले 10 साल पहले बताओ मोटरसाइकिल कितने में आती थी और आज मोटरसाइकिल कितने में आ रही है। डीजल महंगा कर दिया कि नहीं कर दिया? इन्होंने बोरी से चोरी कर दी कि नहीं कर दी? जो दवाइयां आप सस्ती लेते थे वो दवाई महंगी हो गई कि नहीं हो गई? जो पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम में आपका बुखार उतार देती थी लेकिन अब तो डोलो वाली गोली आ गई, 650 एमजी के बाद भी किसी का बुखार नहीं उतर रहा है। बताओ दवाई महंगी हो गई कि नहीं हो गई? जो सामान्य गरीब को पेट दर्द की दवा भी खरीदनी होती थी बाजार से, आज बताओ पेट दर्द की दवा महंगी हो गई कि नहीं हो गई? और वैक्सीन वाली बात तो आपने सुन ली होगी, कोई नहीं छूटा जिसको इन्होंने वैक्सीन न लगवा दी हो। और ये हमारे खाकी वर्दी पहनने वाले अधिकारी कर्मचारी जानते होंगे, इन्हें जबरदस्ती वैक्सीन लगवा दी। बताओ वैक्सीन लगा दी कि नहीं लगवा दी? और अब तो आपको मालूम हो गया होगा जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है उनको दिल की बीमारी जल्दी हो जाएगी। और अब वैक्सीन की कंपनी वाले कह रहे हैं कि हम अपनी वैक्सीन वापस ले लेंगे। बताओ जो शरीर में वैक्सीन लग गई है वो शरीर से वापस कैसे लोगे? बताओ आज दवाइयां इलाज महंगा हो गया कि नहीं हो गया? समाजवादियों ने जो एम्बुलेंस चलाई थी वो बर्बाद कर दी और मेडिकल कॉलेज भी बर्बाद कर दिया। बर्बाद हो गया मेडिकल कॉलेज के नहीं? पैरा मेडिकल भी बर्बाद कर दिया। हमारे गरीब को जो इलाज की सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा नहीं मिल पा रही है। हमारा दूर दराज गरीब इंसान, गरीब परिवार का सदस्य बीमार हो गया तो उसको इलाज नहीं मिल पा रहा है। ये हालत पैदा कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने। और याद कीजिए जब इन्हें चुनाव में वोट मांग रहे थे तो आपको राशन में क्या क्या दे रहे थे? चना दे रहे थे, दाल दे रहे थे, रिफाइंड तेल दे रहे थे, नमक दे रहे थे। आज राशन में बताओ क्या दे रहे हैं आपको? राशन में क्या मिल रहा है आपको? ये कोई चीज बहुत पौष्टिक दे रहे हैं ये लोग। बाजरा क्या बहुत पौष्टिक है क्या? और याद होगा जब बुंदेलखंड में सूखा पड़ी थी तो समाजवादियों ने समाजवादी पैकेट के साथ साथ आपको दूध और घी दिलाने का भी काम किया था। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं कि आपके राशन की गुणवत्ता को बेहतर करेंगे। और जिस तरीके से आजकल संपन्न लोग बाजार से पैकेट का आटा खरीदते हैं, पैकेट के आटे की गुणवत्ता भी अच्छी है और वो पौष्टिक भी है, तो हम अपने गरीबों को भरोसा दिला के जा रहे हैं आने वाले समय में जब सरकार बनेगी तो ना केवल आपको राशन की मात्रा बढ़ाएंगे, गुणवत्ता बढ़ाएंगे, बल्कि अपने गरीबों को पौष्टिक आटा के साथ साथ डाटा भी फ्री दिलाने का काम होगा। बताओ पहले जब इन्हें मोबाइल हाथ में पकड़ाना था तो डाटा फ्री था, आज डाटा के भी पैसे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? याद कीजिए समाजवादियों ने इतना बड़ा लैपटॉप दिया था, उसमें फोटो थी नेताजी और हम लोगों की, उसकी नकल कर ली इन्होंने। नकल कर करके इन्होंने बड़ा नहीं दिया, छोटा दे दिया और ऐसा रद्दी छोटा दिया है
कि आप उस पे उंगली घिसते रहो, चलता ही नहीं है। और जब कोरोना आया था, बीमारी आई थी, तो संपन्न लोगों के परिवार के बच्चे तो पढ़ लिख लिए थे, ऑनलाइन पढ़ाई, लेकिन हमारे गरीब के बच्चे नहीं पढ़ पाए। इसीलिए हम कह रहे हैं गरीबों के स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए जहां अस्पताल में इलाज फ्री होगा, वहीं गुणवत्ता पौष्टिक आटा के साथ साथ राशन और डाटा फ्री दिलाने का काम हम लोग करेंगे आपको। झांसी, मैं झांसी जब आता हूं तो सैनिक स्कूल की याद हमें जरूर आती है। और हमारे बहुत सारे साथी ये बात नहीं जानते होंगे, मुझे याद है वो समय जिस समय कांग्रेस पार्टी की दिल्ली में सरकार थी और राहुल जी जो मंच पर बैठे हैं, इन्होंने अपनी अमेठी के लिए सैन्य स्कूल मांगा था। उस समय समाजवादी सरकार थी। मैंने उस समय कांग्रेस पार्टी के नेताओं से कहा कि आप अगर सैनिक स्कूल मांग रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में एक सैनिक स्कूल से काम नहीं चलेगा, आपको और सैनिक स्कूल देने पड़ेंगे। मुझे याद है समाजवादियों की मांग पर उत्तर प्रदेश को उस समय की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने एक नहीं तीन सैन्य स्कूल दिए थे। और तीन सैन्य स्कूल जो एक अमेठी में बन गया और दूसरा अगर कहीं बना था तो आपके झांसी में समाजवादियों ने बनवाने का काम किया था। और यही नहीं, मंडी से लेकर के और सुविधाएं कैसे दी जाएं किसानों को, उन सुविधाओं को भी देने का काम हुआ था। किसानों को अगर फसल नष्ट हो रही थी तो मुआवजा देने का काम भी ज्यादा उस समय समाजवादियों की सरकार में हुआ था। मुआवजा भी दे रहे थे और सुविधाएं भी दे रहे थे। आज बताओ बीजेपी की सरकार में लूट हो रही है कि नहीं हो रही है? इनकी हर बात झूठी निकली कि नहीं निकली? इनका हर वादा झूठा निकला कि नहीं निकला? ये जो मन की बात करते हैं मनमर्जी लोग, मन की बात करते हैं, इन्हें संविधान की बात सुननी पड़ेगी। इसलिए ये चुनाव समुद्र मंथन की तरह संविधान मंथन का भी है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को बदलना चाहते हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं। बचाओगे संविधान? बताओ संविधान बचाओगे कि नहीं बचाओगे? और इधर मैं जब झांसी आया हूं, दिल्ली वालों की बड़ी बड़ी होर्डिंग मैंने देखी, दिल्ली वालों की जो अपने आप को डबल इंजन की सरकार बोल रहे हैं, दिल्ली वाले, उनका एक इंजन पहले से ही गायब है। बताओ ये दिल्ली वालों का, बीजेपी वालों का झांसी वाला इंजन खटारा है कि नहीं है? बताओ इस खटारे इंजन को बदलोगे? प्रदीप जैन को जिताओगे? प्रदीप जैन जी का जहां सहयोग समर्थन सभी वर्गों से है, सभी वर्ग उनका समर्थन कर रहे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी उनको रिकॉर्ड मतों से जिताने के लिए उनका साथ दे रही है। जहां प्रदीप जैन हमारे लड़ रहे हैं, दूसरे हमारे अजेंद्र राजपूत जी हैं, ये हमीरपुर से लड़ रहे हैं, इनकी भी मदद करना। एक तरफ प्रदीप जैन, दूसरी तरफ अजय राजपूत, दोनों को जिताओगे? इनके ऊपर सबका आशीर्वाद है, आचार्य विद्यासागर जी का भी आशीर्वाद है इन पर। और हमारे जैन समाज के लोग नहीं भूलेंगे कि उनके तीर्थ स्थानों को भारतीय जनता पार्टी पर्यटन स्थान बना रही थी। जैन समाज के लोग
पहली बार सड़कों पे आए थे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, इसलिए मदद करोगे आप लोग? मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार झांसी हमीरपुर से इंडिया गठबंधन के प्रदीप जैन जी, जिनका चुनाव चिन्ह आपको याद है कि नहीं याद है? कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह है, याद है आपको? और हमारे दूसरे साथी साइकिल वाले हैं, पंजा और साइकिल दोनों साथ आ गए, जिताओगे आप लोग? चलिए मदद करना इनकी और अच्छे वोटों से जिताना। मैं वो बात नहीं कहना चाहता हूं कि डिफेंस कॉरिडोर के नाम पर आपको धोखा दिया इन्होंने, जहां ये लोग कह रहे थे बम बनाएंगे, मिसाइल बनाएंगे, टैंक बनाएंगे, बताओ इन्होंने सुतली वाला बम भी बनाया हो तो बता दो आप, बताओ बुंदेलखंड को धोखा दिया कि नहीं दिया? बुंदेलखंड के किसानों के खेतों के पैसे को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जेब में रख लिया, इसलिए इनको सबक सिखाना, मदद करना, यही आपसे मैं निवेदन करने आया। बहुत बहुत बधाई आपको। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हम सबके नेता, हिंदुस्तान की आवाज, परम आदरणीय राहुल गांधी जी को कि हम सबको आके संबोधित करें। आदरणीय राहुल गांधी, गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। अखिलेश यादव जी, नीलांशु चतुर्वेदी जी, चंद्रपाल यादव जी, ओम प्रकाश जी, योगेंद्र पसरीचा जी, स्टेज पे इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेता, इंडिया गठबंधन के दोनों कैंडिडेट्स प्रदीप जैन जी और अजेंद्र राजपूत जी, जरा यहां आ जाइए एक मिनट। प्रदीप जैन जी और राजपूत जी, धन्यवाद, बैठ सकते हैं। भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, इंडिया गठबंधन के, कांग्रेस पार्टी के, समाजवादी के बब्बर शेर कार्यकर्ता, आमतौर से जंगल में बब्बर शेर अकेले मिलते हैं, यहां पे हजारों बब्बर शेर शांति के साथ एक साथ बैठे हुए हैं। भाइयों और बहनों, मैं अभी आया और मैंने इसी सड़क पर ये छाते लटका रखे थे, ये देखे आपने? मैंने पूछा भाई ये छाते क्यों लगा रखे हैं, छाते लटका क्यों रखे सड़क के ऊपर? मुझे बताया गया कि ये स्मार्ट सिटी है। भैया, अगर ऐसे स्मार्ट सिटी बनते हैं तो इंडिया गठबंधन सब जगह छाते लगा देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए क्या बोला था, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे और क्या किया, छाते लटका दिए। ये बीजेपी का कमाल है। कोविड हुआ, आपको कष्ट हुआ, आपके रिश्तेदार मरे, किसी का भाई, किसी के पिता, किसी की माता, गंगा में लाशों के ढेर, ना वेंटिलेटर ना ऑक्सीजन, और नरेंद्र मोदी कहते हैं भाइयों और बहनों थाली बजाओ।
और हमारे, मैंने इनको मीडिया का, मीडिया के मित्र बोला, मगर ये हमारे नहीं है, ये अदानी के मित्र हैं, अंबानी के मित्र हैं। जब नरेंद्र मोदी कह रहे थे थाली बजाओ, मीडिया के लोग कह रहे थे वाह 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 वाह, क्या कमाल की बात बोली प्रधानमंत्री ने। कोविड के बीच में नाच गाना हो रहा था, थाली बज रही थी, कोविड फैल रहा था, और हमारे मीडिया के लोग कह रहे थे देखो प्रधानमंत्री को देखो क्या मजेदार बात बोली है, थाली बजाओ भाइयों और बहनों, थाली बजाओ। जब थाली ने काम नहीं किया तो फिर प्रधानमंत्री कहते हैं भाई और बहनों मोबाइल फोन की लाइट जलाओ। तो यही इनका काम है, मोबाइल फोन की लाइट जलाओ। थाली बजाओ, छाते लटकाओ, मगर भाइयों और बहनों जब आपकी जमीन छीनने का टाइम आता है तो एक सेकंड नहीं लगता इनको, एक सेकंड में कोई ना कोई बहाना देके, डिफेंस कॉरिडोर, बीडा, ऐसा बहाना देकर, ऐसा बहाना देकर आपके ध्यान को इधर उधर कर आपकी जमीन दो मिनट में हड़प लेते हैं, सही दाम नहीं देते जमीन के लिए। भाई और बहनों ये लड़ाई जो है, इलेक्शन जो है, पहली बार ये इस संविधान को बचाने का इलेक्शन है। भाइयों और बहनों जो भी आपको मिला है, गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, माइनॉरिटी को, गरीब जनरल कास्ट को, वो इस किताब ने आपको दिया है। इसके बिना हिंदुस्तान के गरीब लोग कहीं के नहीं रहेंगे। और जिस दिन ये चला गया उस दिन आपकी जमीन का हक गया, रिजर्वेशन गया, पब्लिक सेक्टर गया, सारा का सारा चला जाएगा। इंडिया गठबंधन, अखिलेश जी और मैं, खारगे जी इस संविधान की रक्षा कर रहे हैं, अंबेडकर जी की संविधान की, महात्मा गांधी की संविधान की, लोहिया जी की संविधान की, और बीजेपी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी इस किताब को खत्म करना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं, फाड़ के फेंक देना चाहते हैं। और मैं उनसे कहना चाहता हूं, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई की कर्म भूमि से कहना चाहता हूं कि इस संविधान को नरेंद्र मोदी छोड़ो, आरएसएस छोड़ो, दुनिया की कोई शक्ति नहीं खत्म कर सकती है। भाइयों और बहनों इन्होंने 22 अरब पतियों को, 22 अरब पतियों को 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ करके दिया है। आप जानते हो 16 लाख करोड़ कितना होता है? मैं समझाता हूं, 24 बार हमने यूपीए की सरकार के वक्त 72 हजार करोड़ रुपए किसानों का कर्जा माफ किया था। अगर आप 24 बार हिंदुस्तान के सब किसानों का कर्जा माफ करो, उतना पैसा नरेंद्र मोदी ने 22 अरब पतियों को दिया। यहां पे यूपीए की सरकार ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बुंदेलखंड पैकेज दिया था, याद है कितने रुपए का पैकेज था? नहीं, बुंदेलखंड का पैकेज कितने रुपए का था? 7000 करोड़ रुपए बुंदेलखंड का पैकेज था। 16 लाख करोड़ रुपए मतलब
अगर आप 240 बार बुंदेलखंड को 7000 करोड़ रुपए दो, उतना पैसा नरेंद्र मोदी ने 22 लोगों का कर्जा माफ किया। तो हमने मन बना लिया है, इंडिया गठबंधन ने, मैंने, अखिलेश जी ने मन बना लिया है कि जितना पैसा इन्होंने अरबपतियों का कर्जा माफ किया है, उतना ही पैसा हम गरीबों के बैंक अकाउंट में ठका ठक डालेंगे। मीडिया वालों, जो बोलना है बोलो। जब हम गरीबों को पैसा देते हैं मनरेगा में, कर्जा माफी में, ये कहते हैं गरीबों की आदत बिगाड़ रही है। आपको जो कहना है कह दो, हमें जो करना है हम करने जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, पहला काम महालक्ष्मी योजना, हिंदुस्तान के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी। बुंदेलखंड में, उत्तर प्रदेश में करोड़ों लोगों के नाम इस लिस्ट पे आएंगे। लिस्ट में दलित, आदिवासी, पिछड़े, माइनॉरिटी, गरीब, जनरल कास्ट के लोग, किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी, सारे के सारे लोग होंगे। और फिर भाइयों और बहनों, क्रांतिकारी काम होगा। ये काम दुनिया की किसी सरकार ने आज तक नहीं किया है। वो 22 अरबपति बना रहे हैं, हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, हर परिवार में से, करोड़ों परिवार में से हर परिवार में एक महिला चुनी जाएगी, एक महिला चुनी जाएगी, हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। और फिर उन करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में साल के 10,000 नहीं, 20-30-40-50,000 नहीं, 60-70-80-90,000 नहीं, 1,00,000 रुपया बैंक अकाउंट के अंदर। भाइयों और बहनों, 1 जुलाई को हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में, झांसी में लाखों लोग जगेंगे, अपना बैंक अकाउंट चेक करेंगे और सरकार सबके बैंक अकाउंट में महीने का 8,500 रुपए ठक अंदर डाल देगी। जुलाई के बाद अगस्त आएगा, 1 अगस्त फिर से 8,500 रुपए करोड़ों लोगों के बैंक अकाउंट में ठक सरकार डालेगी। हर महीने भाइयों और बहनों, ठगा ठग 8,500 रुपए साल के 1,00,000 रुपए, साल के 1,00,000 रुपए अंदर किसानों को। मैं यहां के किसानों को कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ने आप पर जीएसटी लागू की, नोटबंदी की, काले कानून लाए, सही दाम आपको नहीं दिया, एमएसपी नहीं दी, बीमा का पैसा आपसे छीना। अगर किसी ने दर्द सहा है, बीजेपी के कारण दर्द सहा है, तो हिंदुस्तान के किसान ने वो दर्द सहा है। और इसीलिए 4 जून को हम हिंदुस्तान के गरीब किसानों का कर्जा माफ करने जा रहे हैं। जैसे हमने यूपीए की सरकार में किया था, वैसे ही हम फिर से किसानों का कर्जा माफ करेंगे। मीडिया वाले, अदानी मीडिया वाले, मोदी मीडिया वाले, जितना लिखना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। और उसके एकदम बाद किसानों के लिए ये
ये देखो, ये देश का हर गरीब व्यक्ति जानता है कि ये मीडिया हिंदुस्तान का नहीं है, ये अदानी का है, ये अंबानी का है, ये किसानों का नहीं है, मजदूरों का नहीं है, कमजोर लोगों का नहीं है, अरबपतियों का है। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मोदी की जितनी फोटो दिखानी है दिखाओ, हमें जो करना है हम करेंगे। महालक्ष्मी योजना, करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं, किसानों का कर्जा माफ और हिंदुस्तान के सब किसानों को कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस और 30 दिन के अंदर हिंदुस्तान के किसानों को बीमा का पैसा 30 दिन के अंदर हम दिलवाएंगे। अब बात करते हैं बेरोजगारी की। नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को कहा, भाइयों और बहनों, नाले में पाइप डालो, नाले में से गैस निकलेगी, गैस से आग जलाओ और पकौड़े तलो। सही बात है, ये देश के युवाओं से कहा, पकौड़े तलो। भाइयों और बहनों, हम आपके लिए एक क्रांतिकारी कानून ला रहे हैं। अदानी का बेटा, अंबानी का बेटा जॉब मार्केट में जाने से पहले 1 साल की अप्रेंटिसशिप करता है, पिताजी की कंपनी में करता है। यह मौका हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को नहीं मिलता। हम हिंदुस्तान के सारे बेरोजगार युवाओं को, ग्रेजुएट्स को पहली नौकरी का अधिकार देने जा रहे हैं। पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, सरकारी अस्पताल, सरकारी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में, सरकारी ऑफिसेज में यह अधिकार मिलेगा। जो भी युवा अपना हाथ उठाएगा उसे 1 साल की नौकरी पक्की, जबरदस्त बेहतरीन ट्रेनिंग और बैंक अकाउंट में साल के 1 लाख रुपए महीने के ठगाठग 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 8,500 रुपए। तो करोड़ों युवाओं को अरबपति बनाएंगे, करोड़ों महिलाओं को, करोड़ों युवाओं को लाखपति बनाएंगे, करोड़ों महिलाओं को लाखपति बनाएंगे। हम भाइयों और बहनों, आपके जेब में, आपके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए डालना चाहते हैं। मैं आपको समझाना चाहता हूं क्यों, इसके पीछे सोच है। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की, जीएसटी लागू की, छोटे व्यापारियों को खत्म कर दिया, झांसी के जो छोटी फैक्ट्रियां थी, इंडस्ट्री थी, सारी की सारी बंद कर दी। अब हम बैंक के दरवाजे छोटे बिजनेसेस के लिए खोलने जा रहे हैं। जीएसटी को हम बदलने जा रहे हैं, एक टैक्स होगा, 5 अलग अलग टैक्स नहीं होंगे, कम से कम टैक्स होगा। भाइयों और बहनों, जैसे ही आपके जेब में पैसा आएगा, महिलाओं के जेब में, बेरोजगार युवाओं के जेब में पैसा आएगा, वैसे ही आप उस पैसे को खर्च करोगे। कहां खर्च करोगे? उत्तर प्रदेश में, झांसी में, बुंदेलखंड में। जैसे ही आप खर्च करोगे, पैंट खरीदोगे, शर्ट खरीदोगे, जूते खरीदोगे, घड़ी, मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल, ये चीजें खरीदोगे, हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी, शुरू हो जाएंगी, और उन्हीं फैक्ट्रियों में हम आप जैसे युवाओं को रोजगार देंगे। हिंदुस्तान को सबसे बेहतरीन ट्रेंड वर्कफोर्स मिलेगी, आपके बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा और हिंदुस्तान की इंडस्ट्री, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था जंप स्टार्ट हो जाएगी। भाइयों और बहनों, अग्निवीर की बात करना चाहता हूं, लंबा नहीं बोलूंगा, 1 सेकंड में बोलूंगा। अग्निवीर योजना को हम उठा के कूड़ेदान में फेंक देंगे। ये 2 शहीद हमें नहीं चाहिए, 1 शहीद को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। 1 शहीद को पेंशन मिलेगी, दूसरे शहीद को पेंशन नहीं मिलेगी। 1 शहीद के परिवार की रक्षा होगी, दूसरे शहीद के परिवार की रक्षा नहीं होगी। ये हमें नहीं चाहिए।
अग्निवीर योजना को फाड़ के डस्टबिन में फेंकने जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, ये योजना हिंदुस्तान की सेना को नहीं चाहिए, ये योजना नरेंद्र मोदी जी ने अदानी जी की मदद करने के लिए बनाई है। भाइयों और बहनों, यहां डिफेंस कॉरिडोर के लिए जमीन ली गई, आपको वायदा किया गया था, आपको वायदा किया गया था कि यहां पे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगी, हुई नहीं। अदानी जैसे लोगों को जमीन दी मगर यहां पे कुछ मैन्युफैक्चरिंग शुरू नहीं की, कोई फैक्ट्री शुरू नहीं की। आपका यहां पे नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने बेवकूफ बनाया है, ये सच्चाई है। भाइयों और बहनों, टेम्पो लिए घूम रहे हैं सारे बीजेपी के लोग, एयरपोर्ट पकड़ा दिए, रेलवेज बेच रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया, डिफेंस इंडस्ट्री दे दी, सारा का सारा प्राइवेटाइज कर दिया, 22 अरबपतियों को दे दिया। आपको क्या मिला? हिंदुस्तान के युवाओं को क्या मिला? मुझे बचाओ, बताओ। इसीलिए भाइयों और बहनों, यहां पे हमारे कैंडिडेट को भारी बहुमत से दबाकर आप जिताइए। आखिरी बात कहना चाहता हूं, हमारे मजदूर भाई, आशा और आंगनवाड़ी की महिलाएं, आज मनरेगा में 250 रुपए मिलता है, जून 4 400 रुपए हो जाएगा। आशा और आंगनवाड़ी महिलाओं को कम पैसा मिलता है, जून 4 उनकी आमदनी दुगनी हो जाएगी। और भाइयों बहनों, आखिरी बात, ये नरेंद्र मोदी जो अनाज बांटते हैं, फ्री में चावल बांटते हैं, ये स्कीम कांग्रेस पार्टी का यूपीए का स्कीम था, भोजन का अधिकार का स्कीम था, हमारा स्कीम था। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार आएगी तो आपको बेहतरीन चावल और अनाज हम बांटेंगे, इनसे ज्यादा बांटेंगे, इनसे अच्छा बांटेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब समय आ गया है कि गरीबों की सरकार हो, किसानों की, मजदूरों की, युवाओं की सरकार हो, ये अदानी अंबानी की सरकार, इसको हटाने का टाइम आ गया है। आपने बहुत सहा है, अरबपतियों की सरकार नहीं चाहिए, हिंदुस्तान की सरकार चाहिए, तिरंगे की सरकार चाहिए, इंडिया गठबंधन की सरकार चाहिए। आप सबको दिल से धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बुंदेलखंड।